गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। तो देखो आज मैं ब्लॉग ऐसे ही शुरू करती हूँ। आज सुबह सुबह आ गई क्या लेने, ये तो बंगाल में बोलते हैं डुमुर, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मैं पता करके बता दूंगी। और देखो ये रहा वही विश्वविख्यात तो मेरी मामूनी दी, जो बाल खोल के नहा के आके बैठ गई ये काटने के लिए। ये रहा मौसी और ये मुंह ढकने वाली औरत। ये मैं अभी घर जाके लेके फिर काटूंगी, इधर बैठ के नहीं काटूंगी, बात करके चले जाऊंगी। आज बनाऊंगी भी नहीं, कल बनाऊंगी। इतना सारा काटने के लिए टाइम लगता है ये। और बच्चे लोग को देखो, रास्ते से गाड़ी जा रहा है और ये लोग कैसे दौड़ रहे हैं। हम लोग यही करते, जहाँ जो मिलते है सब मिल बैठ के मिला के लेके फिर खाती हूँ। मतलब बंगाली लोग यही करती हूँ, चार पांच बंगाली है यही करती हूँ। मज़ा आता है इनमें ही। तो चलो मिलते हैं फिर बाद में, क्या काम करती हूँ उस टाइम दिखाती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो देखो जैसे उधर आने के बाद ना 11 बज गया था, दीदी बोल रहा है चलो चलो चलो। और फिर पुई बेर का जो पेड़ है ना उसमें से भी थोड़ा पत्ता उठा के लेके आई सांप खाने के लिए। और फिर दीदी भी बुलाई चलो चलो ऊपर चलते ऊपर चलते। तो दीदी के साथ मामू दीदी के साथ में उसके रूम में भी गई। फिर आने के बाद ना बहुत लेट हो गया, मतलब हड़बड़ी हो गया मैं, 11 बज गया। तो आने के बाद क्या करूँ ना करूँ पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी करके नहीं गई थी आज। तो अभी बन रहा है मेरा खाना लगभग बना लिया। अभी भी कपड़ा है, आधा पोछा लगाई, बाकी पोछा लगाना बाकी है, पूजा देना है, नहाना है, सब कुछ अभी तो बाकी है। पुणे एक हो चुका है, मतलब कब क्या करूँ पता नहीं, बाबू भी आ जाएगा। फिर अभी देखो खाना आधा बन गया तो मैं दिखा देती हूँ क्या आज लंच में बन रहा है। हो सके कि जिस टाइम मैं खाना खाऊंगी आज लंच करूंगी उस टाइम आ नहीं पाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ अभी दिखा देती हूँ। तो बाद में जब अगर ना आ पाऊँ तो आप लोगों को मतलब ऐसा ना लगे कि मैं दिखाई नहीं, मेरा के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं सोचा अभी दिखा देती हूँ। तो चलो दिखा देती हूँ। तो देखो ये बन रहा है दाल, जिसमें मैं तड़का लगाई लहसुन टमाटर प्याज और जीरा के साथ। ये है तुरई और छिलका वाला मूंग दाल। तो ये दो ही दाल मिला के बनाए। मैं ना एक दाल कभी खाती नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मिक्स्ड या दो तीन एक साथ में मिलाने की। तो आज मसूर दाल नहीं डाला, वो छिलका वाला मूंग दाल डाला, इसलिए धुली मूंग नहीं डाला। तो यही बन रहा है मेरा दाल। ये उबालने के बाद बस रेडी हो जाएगा, थोड़ा उबाल लेती हूँ तो हो जाएगा। और है देखो ये रहा चावल जो बन गया, ये चावल मेरा रेडी है। और ये है वो पुई बेर का पत्ता जो मैं साग खाने के लिए इसमें प्याज और लहसुन और बोरी के साथ में बनाई और कुछ नहीं। और ये है परवल भाजी जो दाल के साथ खाऊंगी। और है पापड़, ये है दो तरीके से। और ये रहा वो पापड़ जो कैंटीन में मिलता है, वही जो गोल गोल वाला होता है ना, वो मैं भाजी कर लिया फ्राई करके इसमें रख दिया। तो इसमें रखने के बाद नरम नहीं होगा। और क्या मैं अभी कर लिया क्योंकि खाने के टाइम ना टाइम नहीं मिलेगा। हर रोज़ सोचती हूँ कि खाने के टाइम बनाऊँगी लेकिन अभी लेकिन होता नहीं है, तो इसलिए अभी बना लिया। और दाल भी मेरा लगभग रेडी है, बंद कर दिया गैस, तो अभी ये डाल लूँगी। तो यही है आज हमारा लंच, बस सिंपल सा, क्योंकि कल इतना हेवी खाया था ना आज, इसलिए सिंपल नहीं खाऊंगी तो पिटाई पड़ेगा। डाइटिंग तो गया और भूरी दिन के दिन बढ़ते ही जाएगा। दूध भी उबाल लिया और आज दिखा रही हूँ कि बर्तन अभी तक ये है दूध आया था और ये बर्तन अभी जो दाल बनाई कुकर में, बस वही बर्तन है। देखो पोछा नहीं लगाई अभी तक, आधा पोछा लगा के रुक गई। ये रहा डंडा मेरा, ये है ना गुजरात में जो पाइप होता है ना, मतलब जिससे लाइट तार जाता है ना, वायर वाला जो केसिंग होता है जिसको मैं भूल रही थी, तो वो ही है। क्या है ना मेरा कमर में दर्द है और इसलिए ना मैं बाबू को बोला था, और हैंडल भी टूट रखा, अंदर हैंडल है तो मैं बोला मेरे को बड़ा करके दो। तो वो ये ना बना के दिया। तो मतलब इससे अभी पोछा लगाना तो आसान हो जाता है, तो इससे ही मैं इसलिए पोछा लगाती हूँ। तो वही हो रहा है, अभी तक काम कर लेती हूँ। चलो फिर मिलते हैं बाद में। आ गई मैं वापस। तो देखो क्या दिखाने के लिए आज ना मेरा आसन, देखो कितना अच्छा लग रहा है।
इसलिए मैं सोचा एक बार आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं ना पूजा भी कर लिया, सारा काम हो गया, अभी बज गया 1:30। तो देखो आज कितना अच्छा लग रहा है ना, ये सिंह मेरा भगवान का ही है, और इतना फूल दिया देखो दिखाई नहीं दे कर दे रहा है। मेरा गन्नू पापा, वो बंगाल का लोकनाथ बाबा, ये है मेरा शिव, महादेव, किसी को ही दिखाई नहीं दे रहा। इतना आज फूल मिला है, इतना फूल से मैं पूजा किया, तो सोचा आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। चलो काम भी पूरा कर लिया, अभी बाबू भी आया नहीं, खाना खाएंगे वो आने के बाद, तो चलो मिलते हैं फिर बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का ब्लॉग मैं ऐसे ही शुरू कर रही हूँ, वो भी मेरा किचन से। तो देखो कार में लेके आई थी ना जो फिग डोमोर, वो इस तरह, मतलब उसको ना बाहर का हिस्सा ही बस लेते हैं, उसको बाद मैं नमक और हल्दी से इसको उबाल लिया, साथ में आलू भी ले लिया। तो उबाल के आज जैसे अभी जैसे चिकन बनता है उसकी तरह ये बनाऊंगी। वो ना अदरक और जीरा पाउडर से भी बनाता है, घी डालना पड़ता है लास्ट में, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो देखो वो ऐसा ही होता है, वो देखो काटने के बाद कुछ इस तरह लगेगा, मतलब बाहर बाहर का हिस्सा लेते हैं, और ये जो अंदर का बीज है ये नहीं खाते, ये ना मतलब मुँह में दाने के जैसा छिपता है, ये अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो देखो बन गया मेरा डुमुर का सब्जी, जिसमें मैं लास्ट में गरम मसाला और घी डाला, नहीं तो ना वो टेस्ट मतलब एक अच्छे से खुशबू के लिए। और क्या है ना, ये ना बहुत अच्छा है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और ऐसे भी जिसके शरीर में खून कम है ना, अगर ये खाए ना बहुत खून बढ़ता है, इससे आयरन बढ़ता है जिसको बोलता है। तो ये रहा मेरा वो सब्जी डुमुर का। गुड इवनिंग एवरीवन, तो देखो अभी हो गया शाम 5:30। क्या है ना, कल का वीडियो, कल का दोपहर तक जो मैं क्लिक लिया था उसके बाद ना और आ नहीं पाई, तो दोपहर में भी तो बाबू लेट ही आया था, गाड़ी ठीक करने गया था, कब गया मेरे को पता ही नहीं, फिर आया बोल रहा है कि गाड़ी ठीक करने गई थी, तो चलो ठीक है लेट भी खाए हम लोग। फिर ना शाम को टहलने गई, बहुत टहला कल, फिर आके 7 बजे आई रूम में, रोटी बनाई, 8 बजे 8:30 बजे खा लिया, फिर टहलने गई, फिर आके देखे, फिर आके सो गई। तो उसके बाद ना आज सुबह छोटा छोटा थोड़ा मैं जो डुमुर बनाई लेके आई थी कल, उसका ही रेसिपी कैसे काटता है वो थोड़ा सा दिखाई, वो ही आज वीडियो है। तो क्या है ना, अभी भी वही शाम हो गया आज, और आज भी वही काम है कि रोटी बनाना, खाना, बस इतना ही, तो एक्स्ट्रा कुछ तो करना है नहीं। तो सोच रही हूँ कि यही मैं आज का वीडियो एंड कर देती हूँ, तो चलो आज का वीडियो मैं यही एंड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, और सभी लोग अच्छे रहिए, सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, तो मैं यही दुआ करूँगी कि वो सब को मतलब सबको हल हो जाए, सब मिटी जाए, और सभी खुशी खुशी दिन बिताए। तो चलो मैं आज ही एंड कर देती हूँ मेरा आज का व्लॉग। बाय बाय।